देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। बसंत महोत्सव 2018 एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों की धूम के बीच बसंत महोत्सव के तीसरे और समापन दिवस का बड़ा आकर्षण गोविंदाओं की मटकी फोड़ प्रतियोगिता और देश के विभिन्न प्रांतों से आए नामी गिनामी पहलवानों की दंकल प्रतियोगिता रही, जिसका हर किसी ने न सिर्फ जमकर लुत्फ उठाया बल्कि हजारों रुपए की इनामों की बौछारों से गोविंदा और पहलवानों का हौसला अफजाई भी किया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटन नगरी विभिन्न शानदार कार्यक्रमों की गवाह रही। झंडा चौक पर आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के गोविंदाओं की टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि तीर्थ नगरी की पहचान भगवान भरत की पावन भूमि से है। वहीं नगर निगम प्रांगण में आयोजित दंगल में देश के विभिन्न प्रांतों से आए पहलवानों ने पहले अपने दांव पैतरों से दर्शकों का मन मोह लिया, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने दांव पैतरों से दर्शकों की वाहवाही लूटने के साथ जमकर इनाम भी बटोरा। उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की ये रिपोर्ट। संतोषों का प्रोग्राम बहुत ही गजब का चल रहा है। आज थर्ड डे हमारा संतोष मिट्टी का मटकी फोड़ प्रतियोगिता चल रही है और इससे पहले अंदर जो सारे ऋषिकेश क्षेत्र के स्कूल के बच्चे हैं उनका प्रोग्राम अंदर थर्ड डे प्रोग्राम चल रहा है। कल रात को यहाँ पर भजन संध्या थी, इससे पहले भगवान भरत जी की डोली थी। बहुत ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत पूरा शहर इसमें इंजॉय कर रहा है। पूरे शहर में महोत्सव का माहौल है इस समय और सभी चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, अब तक तो CM साहब इसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय पूरे छः के छः दिन जो है पूरे शहर में हमारा उत्सव का माहौल है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बसंत उत्सव 2018 बहुत ही सफल और अपने देशों में कामयाब है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।